आज का दौर ऐसा है जिसमें सीधेपन के लिए कोई जगह नहीं है, भोलेपन के लिए कोई जगह नहीं है। अगर कोई आदमी भोला होता है, सीधा होता है और सही मार्ग पे चलता है, उसका मखौल उड़ाते हैं, क्योंकि आज राहु का शासन है। राहु देता है भयंकर दुर्गुण, दुर्गुण ऐब, परेशानियाँ, झूठे आरोप। तो इनसे निजात पाने के लिए राहु के उपाय भी आपको करने चाहिए, लेकिन आज का वीडियो इस पर केंद्रित नहीं है। बेसिकली आज मैं बता रही हूँ, इतने भी सीधे ना बने कि दुनिया बेच खाए। जी हाँ मित्रों, इतना भी सीधा नहीं होना चाहिए। इंसान को थोड़ी बहुत तो चालाकी रखनी चाहिए अपने मन में। जो चालाकी की स्किल है वो बुद्धि से पैदा होती है। कुछ लोग बुद्धिहीन होते हैं और बुद्धि भोंट भी होते हैं, उन वो सही समय पर सही निर्णय नहीं कर पाते। तो आज इसी पर प्रकाश डालने जा रही हूँ, और कैसे अपने आप को अक्लमंद बनाएं, कैसे दुनियादारी के हिसाब से अपना जीवन निर्वाह करें। क्योंकि जो पैसे वाला है वही सर्वे सर्वा है। पैसे वालों को ही सब कुछ समझ लिया जाता है। जो पैसे में खेलता है उसको ही चमचे हाँ जी 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 करते रहते हैं, लेकिन गरीब आदमी को, मध्यम वर्गीय इंसान को, सीधे साधे इंसान को कोई इज्जत नहीं मिलती, सम्मान नहीं मिलता। पैसा सब कुछ खरीद लेता है। पैसे पैसे में बहुत ताकत होती है, और पैसे से ही हर काम दुनिया में चलते हैं। तो आज हम आपको कुछ विशेष बातें बताएंगे, इतना भी सीधा ना बने कि दुनिया बेच खाए आपको, तो इससे आपको कुछ लाभ मिलेगा, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर, मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर उमा श्री। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो आपको कुछ मार्ग दिखाएगा। अगर आप आज पहली बार डॉक्टर उमा श्री चैनल पर आए हैं तो मैं आपका वेलकम करती हूं, और छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल डॉक्टर उमा श्री को सब्सक्राइब करिए। यहां बात होती है ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, वास्तु की, और पूजा पाठ संबंधी रेमेडी या पूजा पाठ संबंधी वीडियो भी टाइम टू टाइम मैं डालती रहती हूँ डेली, तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, कुछ लोग बहुत सीधे होते हैं और उनके सीधेपन का बहुत लोग फ़ायदा उठाते हैं। इसका कारण यह है कि वो संकोची भी बहुत होते हैं, अपनी बात को खुलकर नहीं कह पाते। जो बात मन में है उसको सामने लाने में उनको बहुत टेंशन होती है, और कई बार सोचते हैं कि कहें लेकिन नहीं कह पाते। तो मैं आपको बोलूँगी कि आज की जनरेशन के हिसाब से इंसान को होना चाहिए। आज की जनरेशन में भी सीधे लोग हैं, लेकिन आज की जनरेशन के हिसाब से होना चाहिए, और दो टूक जवाब हर किसी को देना चाहिए। मतलब अगर आपको किसी की कोई बात बुरी लग रही है तो उसके मुंह पे बोल दें, लिहाज ना करें, क्योंकि कोई किसी का सगा नहीं है। जो आप जब आप किसी का लिहाज कर रहे हैं तो आप इस भ्रम में मत रहिए कि वो कभी आपके काम आएगा। आजकल सेल्फिश लोगों का ज़माना है। आजकल के लोगों में वो बात नहीं है जो पहले के लोगों में हुआ करती थी। पहले के लोग सम्मान करते थे, लिहाज रखते थे, लेकिन आज की जनरेशन किसी चीज़ का लिहाज नहीं कर रही है। खुलापन बहुत ज़्यादा आ गया है, और जो व्यक्ति शरीफ होते हैं उनको नज़रें मिलाने में भी शर्म आती है। मतलब जैसे उन्होंने कोई गुनाह किया हो। कम कपड़े कोई लड़की पहन कर जा रही है तो शरीफ आदमी उस ओर देखना भी पसंद नहीं करते। तो ये रीज़न है। तो इतना भी सीधा नहीं होना चाहिए। आज के ज़माने में चलता पुर्जा होना चाहिए, चालू पुर्जा होना चाहिए, तभी आप अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। भले मानस बनकर, भलाई की बातें करके आप यश तो पा सकते हैं, वाहवाही भी पा सकते हैं, लेकिन पैसे को नहीं पा सकते। पैसे को प्राप्त करने के लिए कोई जोड़ तोड़ बिठाना ज़रूरी है, और कोई स्किल आपके अंदर होनी चाहिए जिससे आप बहुत पैसा कमा सकें। पैसा कमाना सब कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ होता है, और पैसे से आप बहुत कुछ उपाय कर सकते हैं। जो ज्योतिष से जुड़े हुए होते हैं, आप हवन करा सकते हैं, मंत्र करा सकते हैं, तंत्र मंत्र करा सकते हैं, और जन्मपत्री अगर दिखानी है तो परामर्श भी ले सकते हैं। कुल मिला के पैसा बोलता है आज के ज़माने में, ये आपको समझना चाहिए, और पैसे के महत्व को समझना चाहिए। शराफत साइड में रख लेते हैं ऐसे लोग जो चालू पुर्जे होते हैं, लेकिन शरीफ लोगों को अपनी फैमिली की वैल्यू बहुत मायने रखती है उनकी नज़र में, और फैमिली का सम्मान इज्जत उनको बहुत फैसिनेट करता है। तो आपको चाहिए कि बैलेंस करके चलें।
इतने भी सीधे ना बने कि लोग आपको बेवकूफ़ समझने लग जाए, आपको भोंदा भोंदू समझने लग जाए और आपकी हंसी उड़ाने लग जाए। ये बहुत चलन आजकल लागू है और इसको कम करना चाहिए, लेकिन कुल मिला के इतना भी सीधा नहीं होना चाहिए। अपनी बात सबके सामने प्रस्तुत करनी चाहिए। जो बात आपको बुरी लग रही है तो खुल कर बोलें, मुझे ये बात बुरी लग रही है, और जो बात आपको सही लग रही है वो बात खुल कर बोलें, वो बात आपको सही लग रही है, तभी बैलेंस हो पाएगी। कुल मिला के इतना कहना चाह रही हूँ कि इतने भी शरीफ और सीधे ना बने कि जो लोग आपको बेवकूफ़ी बनाते चले जाएं और आपका मिसयूज़ दुनिया में हो, तो ऐसी कंडीशन को आप स्टॉप करिए। आज के वीडियो में इतना ही मोटिवेशनल स्पीच आपको देनी थी, जिससे आप लोग बहुत भोले हैं, सीधे हैं, तो अपने आप को सुधार लें, क्योंकि आज की जनरेशन बहुत मक्कार किस्म की है। सभी मक्कार नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत मक्कार किस्म की है, चालू किस्म की है, तो वो उन लोगों के पास ऐसी आँखें हैं जो दुनिया में बेईमानी पर कब्ज़ा करने वाली हैं। तो आपको चाहिए कि अपने आप को बचाते हुए, अपने आप को सर्वाइव करते हुए कोई भी काम करें, क्योंकि आज का ज़माना पहले से बहुत अलग है। आज सीधे साधे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, भोले भाले लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, चालक लोगों का शासन है। शासन से मतलब है, सत्ता की बात नहीं कर रही, लेकिन इंटेलिजेंसी बोल सकते हैं, उनके पास एक स्किल है, मैनेजमेंट है, तो वो संतुलित हैं। लेकिन सही समय पर सही निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सही समय पर सही निर्णय नहीं लेते हैं तो आप वक्त से बहुत पीछे रह जाएंगे, ज़माने की रफ्तार से बहुत पीछे रह जाएंगे, ज़माना आगे निकल जाएगा। तो मेरी निवेदन आपको यही है कि अपने आप को सीधे साधे ना बनाएं, बल्कि इंटेलिजेंट बनाएं। सीधे साधे से मतलब ऐसा नहीं है कि सीधे साधे लोग इंटेलिजेंट नहीं होते, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन वो अपनी बात को प्रेजेंट नहीं कर पाते लोगों के सामने, संकोची स्वभाव के होते हैं, शाय नेचर उनका होता है। तो ऐसा नेचर नहीं होना चाहिए, और ज़माने के सुरताल के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए, और फ़क्र के साथ कहना चाहिए कि आप इंटेलिजेंट हैं। थैंक यू सो मच।